तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपको e की पावर x अपॉन साइन x का करना है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन, तो d बाई डी एक्स आपको एक तरह से फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन करना है, मतलब ये डिवीजन रूल लगेगा। डिवीजन रूल होता क्या है, सेकेंड का होल स्क्वायर मतलब डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और फिर डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब फर्स्ट माइनस फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है मतलब सेकेंड फंक्शन साइन x। अब यहाँ पे दो डिफरेंशिएशन हमें परफॉर्म करने हैं, e की पावर x का डिफरेंशिएशन और आपका क्या हो गया साइन x का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही e की पावर x होता है, तो e की पावर x साइन x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x, और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस x होता है, कॉस ऑफ x होल अपॉन साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब e की पावर x कॉमन कर ले तो e की पावर x कॉमन हो गया, क्या आ गया साइन x माइनस कॉस x होल अपॉन साइन स्क्वायर x। अब ये अलग अलग तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको चाहे तो वन अपॉन साइन स्क्वायर को कोसेक लिख दे या फिर इसको अलग अलग कर लें, ठीक है। अब आंसर जैसे दिया गया हो,